हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मार्केट शाला। मार्केट शाला पे हमारा डेली शो कल के भाव का दाव आपके सामने स्क्रीन। रोज की तरह निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स हैं और होपफुली जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं दे मस्ट बी रियलाइजिंग कि प्राइस एंड एक्शन जो चार्ट पे दिख रहा होता है उसका स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके की ताकत प्राइस एंड एक्शन जो चार्ट पे दिख रहा है उससे जो है जनरेट होता है। और अगर उसको आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें और बाहर का जो है जो शोर होता है दुनिया भर के न्यूज़, दुनिया भर के स्पेकुलेशंस, उससे बचा लें अपने आप को और खाली जो चार्ट पे दिख रहा है सिर्फ उसको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करके ट्रेड करें, तो कितना ज़बरदस्त तरीके से ये ट्रेडिंग बिजनेस आपको रिवॉर्ड कर सकता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं लास्ट ये जो बॉक्स है ये आज का प्राइस एंड एक्शन है। 15 मिनट की कैंडल पे रोज हम एनालिसिस करते हैं। कल के जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लिखे हुए हैं। मार्केट आज ओपन हुआ, ओपन हो करके वो सीधे 18,000 पे ओपन हुआ। 17,800 पे ओपन हुआ। 17,800 जो है ये रेड लाइन जिसको कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कितना डिसाइसिवली निफ्टी ने ब्रीच करके क्लोज दिया है। और देखिए वहां पे से कितना बेहतरीन तरीके से एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाते हुए पूरा दिन ट्रेंडिंग रहा और इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये चलता रहा और ये मूविंग एवरेज के ऊपर चलते रहते हुए इसने जो है पूरा एक ट्रेंडिंग दे दिया। और अगर हमारे बताए हुए या फिर हमारे सिखाए हुए तरीकों से किसी ने अगर ट्रेड लिया होता तो डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग डे आज जो है ट्रेडर्स ने अपने लिए जनरेट किया होगा। मैं आज थोड़ा सा और डिटेल में इसको आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। 15 मिनट का जो ये कैंडल है, कैंडल पे जो प्राइस इन एक्शन है इसको हम एनालाइज करते हैं। और एक जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हमने कहा था कि एक बड़े होराइजन पे एनालाइज करके छोटे होराइजन पे ट्रेड लेने का एक तरीका होता है जिससे कि आपको प्रॉपर एग्जिट्स एंड एंट्रीज मिल पाए। तो जब हम इसी चार्ट को जो है 5 मिनट्स के ऊपर जो है जब लेके आएंगे तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको पूरा दिन यहाँ पे जो है ये ओपन हुआ एकदम बहुत बेहतरीन सपोर्ट था। अगर जो है डबल स्ट्रेंथ के साथ अगर किसी ने जो है मूविंग एवरेज के ऊपर प्लस नियर बाई जो है सपोर्ट जो 17,800 था 800 है उसके ऊपर ट्रेड लेने का कोशिश किया होता तो भी उसको जो एंट्री है 9:20 पे उसको एंट्री मिल जाती और वो पूरा दिन जो है एकदम टॉप पे जा करके 17,919 पे जो है अपना एग्जिट लेता और बेहतरीन, इससे बेहतरीन जो है ट्रेड सेटअप हो नहीं सकता माई डियर फ्रेंड्स। चलिए अब ये तो था जो हो गया और जो स्ट्रेंथ थी जो मैं आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए डिस्कस करना चाहता था वो भी हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे बहुत सारी येलो लाइंस क्यों हैं, ये भी एक मेरा जो एक ट्रेडिंग सेटअप है उसका एक तरीका। ये येलो लाइंस मींस ये जो है पुराने जो हाइज एंड लोज पर्टिकुलर डे के बने हुए हैं उन पे मैं मार्क करता हूँ जब भी कोई इंट्राडे ट्रेड लेने जाता हूँ। तो जब आप मैं दोबारा एक बार 5 मिनट के ऊपर इसको इन येलो लाइंस के जो है रेलिवेंस को बताने के लिए लेके जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए जब जब ये येलो लाइन के पास आता है तो कितनी देर तक स्ट्रगल करता है और एक बार फिर ऊपर जाता है, फिर येलो लाइन के पास आता है तो स्ट्रगल करता है और फिर एक बार ऊपर जाता है। तो ये है मार्केट की स्ट्रेंथ जो कि ऊपर जाने लेके जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आपके प्रॉफिट्स जो है अचीव हो रहे हों इन टेम्पररी रेजिस्टेंसेज और टेम्पररी सपोर्ट्स के ऊपर तो आपके पास ये सिग्नल होता है कि ठीक है आज का काम हो गया, निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वी आर हियर टू डू दिस ट्रेड एज बिजनेस। ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ी एक वेल्थ जनरेट करनी है। वेल्थ जनरेशन के जो तरीके हैं वो अलग हैं, उसके इन्वेस्टिंग तरीके अलग हैं, उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, बट वो चैप्टर्स जो है इस पर्टिकुलर जो ये जो एपिसोड है कल के भाव का दाव इससे अलग है, राइट। तो इस वजह से ये येलो लाइंस दिखाई दे रही हैं। और मैंने जो रीसेंट जो जैसे कल का जो हाई एंड लो था ये पहले येलो लाइन में था, मैंने उसको ब्लू कर दिया जिससे कि थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट हो सके। तो कल के लिए निफ्टी में क्या करें, कल के लिए निफ्टी में सबसे पहले हम हर बार की तरह आज का हाई और आज का लो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो हम अपनी जो ये ब्लू लाइंस हैं इनको ले जा करके एकदम हाईज एंड लोज के ऊपर छोड़ देंगे।
तो आज का जो लो है वो है 17,789 के आसपास, और आज का जो हाई है वो है 17,900 के ऊपर। तो सबसे पहली चीज कि इसने अपने जो है 17,900 के लेवल को पार कर लिया है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है जो कि 17,800 था, अब वो आपका जो है सबसे पहला सपोर्ट जो क्रिएट हो जाएगा वो क्रिएट होगा 17,900 के ऊपर, राइट। 17,900 के ऊपर जो है सबसे पहला आपका जो सपोर्ट लेवल है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है उस चीज को मेंशन कर लेते हैं, और सेकंड जो सपोर्ट है वो 17,700 से बढ़ के 17,800 हो जाएगा। और हमारे जो आगे के जो रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह है, जैसे जो कि पहले 17,830 था, तो अब उसको आप भूल जाइए। रेजिस्टेंस लेवल अब हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे 18,000, क्योंकि 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसलिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18,100 से पहले कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो कल के लिए फिर आपको लॉन्ग साइड पे ही अपने ट्रेड्स जो है ढूंढने हैं प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, जिससे कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 एटलीस्ट जो है फेवरेबल आपके हो पाए, और फिर जो है अपने ट्रेड पे आगे बढ़ना है। और 18,000 के पास जाकर के डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो राउंड फिगर्स होते हैं थाउजेंड्स के, वहाँ पे जाकर के कहीं पे जाके एक बियर जो एक चांस लेते हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाए, लेकिन वहाँ डरना नहीं है, क्योंकि अगला जो डेली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 18,130 के आसपास, और हम सेफर साइड जो 18,100 का रेजिस्टेंस लेवल अपने सामने लेके चल रहे हैं। और एक बार वो पार होगा तो फिर हम जो है लाइफ टाइम हाईस की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये तो था निफ्टी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी में ये 15 मिनट का कैंडल आप देख पा रहे हैं, 15 मिनट के कैंडल चार्ट के ऊपर ये देख पा रहे हैं। वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से अप एंड डाउन बहुत थोड़े से जो है रहते हैं इसके साथ, लेकिन एक बार जो है कल के हाईस को जब क्रॉस किया है इसने, उसके बाद देखिए अच्छा खासा 42,857 से लेके जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे 43,000, हमने कल ही बता के रखा था, और देखिए वहां जाकर के बैंक निफ्टी को फाइट करना पड़ा है, और बाय एंड ऑफ द डे उसी के नीचे क्लोज दिया है। बट हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता है, जो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, और जो फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हैं, वो 43,000 हिट करते ही अपनी लॉन्ग पोजिशंस को काट के निकल गए होंगे, और जो नहीं भी निकले उनको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अब जो है कल के लिए बैंक निफ्टी को अपनी शुरुआत जो है 43,000 के ऊपर करनी पड़ेगी। और वो कोई बहुत बड़ा टास्क नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लॉन्गर रन पे हम लोग बुल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो जो 43,000 है वो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है जिसके कि कल एक सपोर्ट इमीडिएटली मार्केट ओपन होते ही, हालांकि अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज ना आ जाए, क्योंकि यूएस में बैंक्स को लेकर के थोड़ा ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का जो केस चल रहा है उसको लेकर के थोड़ा सा सेंटिमेंट गड़बड़ाया हुआ है, बट उसके बावजूद भी देखिए हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और ये 43,000 के ऊपर जैसे ही जो है एक दो कैंडल या पहली कैंडल क्लोज देता है, आप आराम से 43,000 का सपोर्ट लेकर के, और जो है आपका थोड़ा सा ये जो मूविंग एवरेज है ये भी बहुत करीब आ चुका होगा, जैसे ही ये 43,000 के ऊपर होगा, उन दोनों के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख करके आप मूविंग एवरेज एज वेल एज 43,000 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख करके अपने लॉन्ग ट्रेड पे जा सकते हैं। और जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो है अब ये 42,000 बहुत दूर की कौड़ी हो गया है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पिछले वाले निफ्टी के चार्ट में किया, यहाँ भी वो कर लेते हैं जिससे कि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। इनको जो सेम डेज के जो हाईज एंड लोज हैं उनको हम ब्लू जो है ब्लू लाइन से जो है कलर कर देते हैं। तो अब जो है सबसे पहला सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 42,750 के आसपास, जो कि आज का लो है, ठीक है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हम 43,000 के इमीडिएटली बाद 43,024, यानी कि हम 43,000 ही मान के चल रहे हैं, और 43,000 के ऊपर एक बार जो है ओपन, 43,024 के ऊपर एक बार अगर इसने ओपन किया, हालांकि यहां पे हमने 43,000 कर रखा है, 43,024-25 के ऊपर जैसे ही इसने डिसाइसिव क्लोजिंग दी 15 मिनट कैंडल की, और उसी के साथ आप आज का जो हाई है उसको भी ब्रीच कर देंगे, तो चलिए उसको भी हम जो है इसमें
इंक्लूड कर लेते हैं 43,050 के ऊपर जो है आपका आज का हाई भी ब्रीच हो चुका होगा, एज वेल एज जो डेली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो भी ब्रीच हो चुका होगा, फिर आप एक लॉन्ग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, 42,750 के आसपास विद मूविंग एवरेज सपोर्ट के साथ अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका मिलता है तो फिर आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन के लिए अभी आप जो है अवॉइड करेंगे, शॉर्ट पोजीशन में जाने पे खतरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको एक विपशॉ मिले, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था वो जो है मूविंग एवरेज के नीचे भी आया और फिर बिना समय लगाए सीधे ऊपर गया। ये जो है बड़े ट्रेंड को जो फॉलो नहीं करते हैं, लॉन्गर होराइजन पे जो ट्रेंड चल रहा है डेली बेसिस पे जिस जो ट्रेडर्स उसको फॉलो नहीं करते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं, उनके लिए ये एक ट्रैप था, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर जो है ये मूव कर रहा है, और उस ट्रैप में फंसने के बाद फिर उनको अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है। तो लॉन्गर रन में जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज अप ट्रेंड, तो आपको जहां पे भी जो मौका मिलेगा, चाहे आपको मौका मिले इस लेवल के ऊपर जो कि 43,050 के ऊपर है, या फिर जो है आपको मौका मिले 42,900 के आसपास, या फिर आपको मौका मिले 42,800 750 के आसपास, आपको जो मौके ढूंढने हैं फिलहाल कल के लिए वो ढूंढने हैं लॉन्ग साइड पे। लेकिन अगर डिसाइसिवली किसी भी बैड न्यूज या बैड सेंटीमेंट्स के चलते, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो गया है, कल जो है नई पोजीशंस क्रिएट होंगी, हालांकि मुझे उसके चांसेस एकदम नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, क्योंकि वी आर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स वो करते हैं जो कि चार्ट पे दिख रहा होता है, ना कि अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो मैं सेकंड थॉट भी अपना आपके सामने एक्सप्रेस कर देता हूं कि 42,750 के नीचे डिसाइसिवली अगर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी कल के डेट में, तब आप जो है मूविंग एवरेज और ये जो 42,750 का जो इमीडिएट सपोर्ट है जिसको मैं यहां लिख देता हूं, 42,750 जो कि अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर ये इसके नीचे ट्रेड करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर, राइट। तब जो है आप मूविंग एवरेज और इस 42,750 के लेवल को ध्यान में रखते हुए एक छोटी और पूरा स्क्रीन के सामने एकदम काक चेष्टा बको ध्यानम की तरह जो है स्क्रीन के सामने बैठे हुए शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, बट एकदम डोर स्टेप पे खड़े रहना है। जैसे ही ये जो है आज के लो को फिर ब्रीच करे डिसाइसिवली, आपको जो है निकल जाना है, चाहे भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट होना हो, लेकिन अगर डिसाइसिवली 42,750 फिर ऊपर की तरफ जो है जाता है, तो आप ये मान के चलिए मार्केट्स में बुल्स का तांडव अभी चल रहा है और वो इस जो है मूविंग एवरेज को भी ब्रीच करेगा और फिर आगे जाकर के 43,050 को भी ब्रीच करके वो आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल जो है जो सिनेरियो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो पहला, सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, लॉन्ग साइड पे जो है अपने ट्रेड्स को प्लान करना है एज पर द गिवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अगर जो है मौका नहीं मिल रहा है तो, और डाउनवर्ड मोमेंट या कोई इस तरीके की इवेंट है जिसकी वजह से प्राइस एंड एक्शन आपको ये ऐसा दिखा रहा है, इंडिकेशन दिखा रहा है कि आज के लोज को जो है बैंक निफ्टी ने ब्रीच कर दिया है प्रॉपर कैंडल क्लोज के साथ 15 मिनट के, फिर आप जो है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बिना कोई जो है रिस्क लिए एक छोटा शॉर्ट पोजीशन अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं। आशा करता हूं आपको जो है आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और आप ये भाव का जो दाव है हमारा इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे, जहां पे कि बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से जो है चीजें मैं जो है आपके सामने रखता हूं, कोई भी इल्यूजन नहीं कि आपको खाली ये सोच सुनने को मिले कि हाँ भाई आप लॉन्ग ट्रेड लेना है, मौका मिले तो आपको बाकायदा लेवल्स के साथ और उसके पीछे जो लॉजिक्स हैं उसके साथ जो है मैं ये पूरा एपिसोड जो है आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आशा करता हूँ आप इस चीज़ का फायदा उठा रहे होंगे, आप लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस, हैंस यू नीड टू थिंक ट्रेड, यू नीड टू थिंक ट्रेड एंड learn trade and then only do trade. Thank you so much for associating with us. Stay connected with Market Shala. Bye bye. फिर मिलेंगे कल आपके साथ अगले शो, कल के भाव के दाव के साथ। Bye bye.